अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोजी खाना। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन लेके इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। इसमें मैं एक ब्रेड डालूँगी, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इसको इसके साथ चॉप करूँगी, हाफ़ के जी चिकन के साथ। ये हाफ़ टी स्पून नमक है, 1/4 चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून होल स्पाइसेस गरम मसाला, 2 मिर्चें, ज़ीरा पाउडर है ये मेरे पास, सॉरी ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये ड्राई कोरिएंडर है और 1 टीस्पून दोनों हैं। ये मसाले भी सारे इसमें चले जाएंगे, और इसके साथ ही हम इसको चॉप कर लेंगे। ये 3 सब्ज़ मिर्चें, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। साथ ही एक छोटे साइज़ का प्याज भी मैंने डाल दिया। ये देखिए बहुत अच्छा सा एक बैटर बन गया। ये मैं बना रही हूँ बर्गर पैटी। साथ ही इसके 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और 1 टेबलस्पून ही इसमें चला जाएगा हरा धनिया और पुदीना। ये मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। 1 चम्मच इसमें जाएगा मक्खन, बटर। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथों को ग्रीस कर लेंगे, और ये मैं एक अच्छा सा बैटर लेके एक बड़े से साइज़ की पैटी बना लेंगे। आप जो भी साइज़ बनाना चाहें इसको आप अच्छी तरह से राउंड कर लें, जैसे कि आप शामी कबाब वगैरह बनाते हैं या आप आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, इसी तरह से आप इसको राउंड कर लेंगे। हाफ के जी बोनलेस चिकन था, तो इसमें ये आपके पास 6 से 8 बर्गर पैटी इजीली बन जाएंगी। अब इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो ये मैंने बटर पेपर ले लिया है। इसको एक पैटी रख के इसके ऊपर आप बटर पेपर एक और रखेंगे, और इसी तरह से सारी पैटीज़ अलग अलग बटर पेपर रख के आप एक बॉक्स में इनको डालकर रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। आपके आगे क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो इफ्तारी में भी काम आ सकते हैं आपके, और आप इस तरह से भी करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अलग अलग करके पैटी आप इसके अंदर इस तरह से लपेट लें, और या फिर आप क्लीन शीट से भी इसको ग्रीस करके रख सकते हैं लपेट कर, और इस तरह से कर लें आप, और ये कम से कम 1 महीने तक आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा ऑयली ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बटर डाला हुआ है, और मीडियम स्लो हीट के ऊपर मैंने इसको रखा है। आप बल्कि मीडियम से भी स्लो हीट रखें, आप स्लो से थोड़ी सी ऊपर, ये क्योंकि जल ना जाए, और उनको हमने स्लो हीट भी बनाना है। इस तरह से इनको देखने कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर हम सॉस बना लेंगे। मेयोनीज़ लिया मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून, ले लें आप 1 टेबलस्पून चिली सॉस ले लें, और उसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लें। ये मैंने लिया है बारबेक्यू सॉस, आप चाहें तो ये स्किप कर दें। ये 1/2 टीस्पून लिया मैंने, इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है सॉस के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम बर्गर असेंबल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने बन हल्का सा सेक लिया है तवे पे, इसके ऊपर आप जो सॉस हमने रेडी की थी ये लगा लें। ज़्यादा सॉस लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लें, कम जिस तरह से भी आपकी पसंद हो। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे एक सलाद पत्ता या आइसबर्ग जो भी है आपके पास, वो रख के हम इसके ऊपर पैटी रख देंगे। आप जिस तरह भी चाहें इसको असेंबल कर सकते हैं,
डिफरेंट वेजिटेबल्स से भी, और इसके ऊपर आप चीज़ भी रख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे चीज़ यूज़ नहीं किया। बर्गर चीज़ जो अब मिलता है बर्गर्स के लिए, आप वो भी कोई सभी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब चीज़ के अगर चीज़ हो तो फिर आपने प्याज नहीं डालने, लेकिन अगर चीज़ नहीं है, अगर आप चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्याज, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें इसके ऊपर, आप उनको ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी सॉस इसके बन की दूसरी साइड पर भी लगाऊंगी और थोड़ी सी इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी। सॉस ज़्यादा ज़रा बहुत अच्छी लगती है इसमें। आप चाहें तो चीज़ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं करते तो ये उनके लिए है। ये देखिए इस साइड पर भी मैंने सॉस लगा ली है। ये हमारा बर्गर तैयार है। अपनी फैमिली को खिलाएं, खुद भी खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।